जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सबाई केमन आछेन? भालो तो? सो आ चुका हूँ मेरा फेवरेट डीलरशिप पे, यस, वन एंड ओनली द कार स्टूडियो, और हाजिर है मिस्टर सिद्धांत। सिद्धांत जी कैसे है? सस्त और मस्त? बहुत बढ़िया, एकदम सस्त और मस्त। सो आज होगा हैचबैक स्पेशल, एकदम जितना बढ़िया बढ़िया हैचबैक दिखाएंगे। फुल हैचबैक कलेक्शन आज का वीडियो ही है हैचबैक स्पेशल, और क्वालिटी स्पेशल। हर एक हैचबैक सुपर डुपर चैलेंजिंग, सुपर चैलेंजिंग क्वालिटी। प्राइस तो होगा ही, सब प्राइस का चैलेंज लेते हैं। हम लेते हैं कलकत्ता ट्यूब, लेते हैं क्वालिटी का चैलेंज, पेपर का चैलेंज, वारंटी का चैलेंज। सो ये सही जगह पे आप आ चुके हो। अभी तक अपने सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज डू सब्सक्राइब। सो सिद्धांत जी, तो लोकेशन आपका बोल दीजिए। हम लोग का लोकेशन एकदम प्रॉपर लोकेशन में है, एकदम ईएम बाईपास में, बाईपास ढाबा, सिंगल लैंडमार्क जो काफ़ी है, सब कोई जानता है। एकदम बाईपास ढाबा के एडजेसेंट जो रास्ता नीचे की तरफ आ रहा है, उसी रास्ते में सीधा लेफ्ट में 10th लेन, सेक्टर बी 10th लेन, आफ्टर ICICI बैंक। प्रोमिनेंट लोकेशन, नॉर्थ से है, साउथ से है, सेंट्रल से है, आराम से आ सकते हैं। ईएम बाईपास इज द बिगेस्ट। अगर आप ट्रेन रूट अवेल करना चाहते हैं, शियालदा से एक ही ऑटो डायरेक्ट बोलेंगे हम लोग का, एकदम शोरूम के लेन के सामने उतार देगा। क्या बात है। हावड़ा से आएंगे, कोई भी बस, आप निकोबार जाने वाला बस में आएंगे, एकदम पहुंच जाएंगे। एयरपोर्ट से आएंगे चिंगरी घाटा का जस्ट बैंक ऑपोजिट। एग्जैक्टली, पूरा लोन फैसिलिटी है, 2012 से लेके लोन हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, बिगेस्ट यूएसपी इन कलकत्ता, ऑल इंडिया लोन। एग्जैक्टली, ऑल इंडिया लोन आपको मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ कार स्टूडियो से ही। एकदम ऑल इंडिया लोन मिल रहा है, ऑल इंडिया आप वारंटी अवेल कर सकते हैं। हम लोग का गाड़ी में वारंटी भी रहता है, तो आप आइए एक बार, गाड़ी देखिए, पसंद कीजिए, फिर लेके जाइए। और हर एक गाड़ी को आज थोड़ा सा डिफरेंट वे से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, करते करते गाड़ियाँ दिखाएंगे, तो देर किस बात का, शुरू किया जाए आज का सफर। तो दोस्तों, शुरू करेंगे हैचबैक का सफर। एकदम शुरुआत पे यस, मारुति का रेस गाड़ी आपके सामने देख पा रहे हैं, सिल्की सिल्वर कलर पे, काफी अच्छा कंडीशन पे, बहुत ही अच्छा कंडीशन में है। टायर्स भी बहुत अच्छा कंडीशन में है, टायर्स दिखाएंगे आपको। और गाड़ी जो रिज होता है, रिज टॉल बॉय लुक के साथ आता है, वो भी डीजल वेरिएंट में। ओके, डीजल में। यस, एग्जैक्टली, ये माइलेज मिल जाएगा। अच्छा, माइलेज एकदम 18 से 20 मिनिमम सिटी में मिल जाएगा। okay. हाईवे में 22-24 का तो माइलेज मिलना ही है। और टॉल बॉय डिजाइन पे आता है, वैगनर जैसा है, जिसका वैगनर टॉल बॉय लुक जिसको पसंद है, और जिनको स्विफ्ट का इंजिन और स्विफ्ट का पावर चाहिए और माइलेज चाहिए, दोनों का कॉम्पैक्ट है ये वाला गाड़ी, जो इसमें आपका हार्डी, काफी हार्डी गाड़ी एक है, एकदम बहुत ही हार्डी गाड़ी है। तो वैगनर में आपको डीजल वेरिएंट नहीं मिलता है, लेकिन रिज में आपको मिल जाएगा। तो टॉल बॉय लुक प्लस पावर, राइट, और डीजल का माइलेज, तीनों आपको एक साथ मिलने वाला है रिज में। एक काम करते हैं, इंटीरियर दिखा देते हैं आपको। इसका पीछे का कंडीशन भी काफी जबरदस्त है। टायर्स का कंडीशन देख सकते हैं, जबरदस्त कंडीशन पे है टायर्स। सो इंटीरियर का कंडीशन दिखाएंगे, ब्लैक इंटीरियर देख सकते हैं आप। सो इंटीरियर का कंडीशन देख सकते हैं, काफी अच्छा कंडीशन पे है। म्यूजिक सिस्टम भी आ जाएगा। सो इंटीरियर चकाचक है, एक्सटीरियर चकाचक है, कंडीशन जबरदस्त है। गाड़ी का डिटेल्स, 2012 का गाड़ी है, 12 नवंबर का गाड़ी है, 2012 नवंबर का गाड़ी, टैक्स टिल 2022 नवंबर तक टैक्स पेड, VDI वेरिएंट है, डीजल वेरिएंट है, VDI वेरिएंट है। तो आपको 18-20 का तो माइलेज मिलने ही वाला है, और हाईवे में 22-24 का माइलेज मिलने वाला है। सबसे बड़ी बात है, 12 का गाड़ी है, 10 साल पुराना गाड़ी है। Exactly. इंजन का कंडीशन कैसा है? इंजन कंडीशन बहुत ही अच्छा है, माइलेज अभी भी दे रहा है, माइलेज अभी भी देगा। साउंड धुआ कुछ नहीं, अगर डाउट है मैकेनिक लेके आइए, चेक करवा लीजिए, कोई खर्चा नहीं होगा, कोई खर्चा नहीं होगा। प्राइसिंग
प्राइसिंग में आएंगे। प्राइसिंग होने वाला है इसका, फाइनल प्राइस कोट करेंगे 184,000 के नीचे नहीं हो सकता है, नहीं 80 के नीचे होने का जगह नहीं है। okay. गाड़ी का कंडीशन देखिए एक बार, कंडीशन बढ़िया है एकदम, 184,000 पे एकदम। और किसी को अगर मैकेनिक लेकर अगर डाउट है, मैकेनिक लेकर आइए, चेक कराइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर एक बार देखिए, फिर गाड़ी लीजिए। कंडीशन जबरदस्त, मक्खन है, मैं बोल सकता हूँ एकदम। एलीट i20 2-2 है, दिखाएंगे सिल्की सिल्वर, फिर से काफी जबरदस्त कंडीशन जो मैं देख पा रहा हूँ, एकदम शोरूम कंडीशन पे है गाड़ी, काफी अच्छा कंडीशन पे है, ड्यूअल टोन पे है गाड़ी, ड्यूअल टोन में है गाड़ी, 2018 मॉडल गाड़ी है और ये स्पोर्ट्स वेरिएंट है। स्पोर्ट्स वेरिएंट में जनरली आपका अलॉय नहीं आता है। okay. ये कस्टम फिटेड अलॉय है। okay. ये कस्टमर ने खुद से अलॉय लगाया है आफ्टर मार्केट, एक्सपेंसिव वाला अलॉय है, बहुत ही अच्छा है, ब्लैक एंड क्रोम फिनिश में अलॉय आ रहा है, तो देख लेंगे अलॉयज भी हम लोग। टायर्स का कंडीशन भी काफी अच्छा मैं देख पा रहा हूँ, एग्जैक्टली काफी अच्छा कंडीशन पे, एकदम काफी अच्छा कंडीशन में है टायर, स्टोन का टायर्स है और साइड का कंडीशन भी काफी जबरदस्त है। गाड़ी पूरा का पूरा अच्छा कंडीशन में है, गाड़ी बहुत ही अच्छा कंडीशन में है। आप जैसे देख सकते हैं टेल लाइट में स्मोकी टेल लाइट किया हुआ है, राइट, एलॉय व्हील फिटेड है, तो सीट कवर्स इंटीरियर में सीट कवर्स अलग से लगा हुआ है, तो गाड़ी मतलब छत का जो ब्लैक है ये रूफटॉप ये रैप कराया हुआ है। ओके. तो गाड़ी को एकदम अच्छे से सजा के मेंटेन करके रखा है, मैकेनिकली बहुत अच्छा है कंडीशन में। एक बार इंटीरियर दिखाने चाहते हैं, दिखा देते इंटीरियर का कंडीशन, इंटीरियर का कंडीशन, सीट्स का कंडीशन काफी अच्छा है, एसी भी आ जाएगा, रियर एसी, फ्रंट सीट्स का कंडीशन भी काफी अच्छा है, वाओ काफी अच्छा कंडीशन पे है, फुल कंट्रोल्स आ जाएगा आपके पास, म्यूजिक सिस्टम आ जाएगा, देख सकते हैं कंडीशन, माइंड बॉगलिंग कंडीशन पे है गाड़ी, जबरदस्त कंडीशन पे है, बोल सकते हैं एकदम, बहुत ही अच्छा कंडीशन में है, बहुत ही अच्छा कंडीशन में है, मैकेनिकली साउंडलेस है पूरा एकदम, मतलब जीरो मैकेनिकल वर्क नीडेड, बहुत ही मेंटेन्ड गाड़ी है, और गाड़ी कलर भी अच्छा है, कलर तो अच्छा है ही, गाड़ी तो आप लोग देख ही पा रहे हैं, टायर्स भी नया है, टायर्स भी अच्छा है एकदम, और गाड़ी का जो मेन बात है गाड़ी 49,000 किलोमीटर चला हुआ है। ओके, ओनली 49,000, ओनली 49,000 चला हुआ है। देखिए ये पेट्रोल इंजन है, देखिए 2018 का बहुत जन बोल सकते हैं 49 थोड़ा ज्यादा चला हुआ है, लेकिन आप अगर डेट के हिसाब से देखेंगे तो बहुत ज्यादा नहीं है। देखिए इससे फायदा आपका है, ये जेन्युइन चला है, 18 का हिसाब से 49 चला है तो जेन्युइन है, आराम से चाहते होते तो 20-25 कर सकते थे, माने इधर जेन्युइनिटी आता है। देखिए कार स्टूडियो मतलब जेन्युइनिटी, कार स्टूडियो में आपका ओडोमीटर से लेके सब कुछ जेन्युइन ही मिलेगा, क्योंकि देखिए आज के डेट पे काफी सारा चैनल से, काफी सारा डीलर से, काफी ज्यादा गाड़ियों को दिखाया जाता है, तो व्यूअर्स को कस्टमर्स को समझ में नहीं आता, कस्टमर्स को जो दिखता है वो माने उनको लगता है कि यही सही है, तो कलकत्ता ट्यूब का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि अच्छा डीलरशिप पे जाओ, जेन्युइन गाड़ी, नॉन एक्सीडेंटल गाड़ी, जेन्युइन किलोमीटर के साथ आपको दिखाए, सो दैट कल जाके आप डीलरशिप के पीछे ना भागो, सर्विस सेंटर्स के पीछे ना भागो। देखिए एक बार क्या होता है, एक बार अगर गलत गाड़ी कहीं से मिल गया ना, उसके बाद अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होता है, उसके बाद मतलब कस्टमर्स के मन में ये घुस जाता है, ये आ जाता है कि यूज्ड कार मतलब ही खराब होता है, क्योंकि वो गलत जगह पे जाता है, सही जगह पे पहुंचते नहीं है, क्योंकि हम लोग बार बार आ रहे हैं, हो सकता है दूसरा जगह में बहुत सस्ता सस्ता सस्ता, अभी का सस्ता का ढिंढोरा बहुत ज्यादा, देखिए मुझे पता है वो सस्ता सस्ता जगह जाएंगे, मेरा व्यूज भी ज्यादा दिखना तुकना हो जाएगा, तीन गुना हो जाएगा व्यूज, मुझे पता है, बट मैं व्यूज के पीछे नहीं भागता हूँ, मुझे पता है कि आपको जेन्युइन गाड़ी दिखाना है, मुझे आपको सेटिस्फाई करना है, दैट्स द मोटो ऑफ कलकत्ता ट्यूब। आप जो चीज ले रहे हैं, जो सामान आप ले रहे हैं, जो आप इतना खर्चा करके जो ले रहे हैं, वो सही सामान आपको मिले, ये हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, सही चीज देना आपको, राइट, फैंटास्टिक। तो इस गाड़ी का डिटेल्स पे आ जाएंगे, ये गाड़ी का डिटेल्स में आ जाता है, ये 2018 का गाड़ी है, 23 तक टैक्स पेड है, स्पोर्ट्स वेरिएंट है, इसमें आपका एसी, पावर स्टीयरिंग,
ऑल पावर पावर विंडो, ऑटो फोल्डिंग मिरर, स्टेयरिंग में ऑडियो कंट्रोलर, इनबिल्ट म्यूजिक सिस्टम, एलॉयज, सब कुछ मिल जा रहा है। एलईडी हेड मतलब टेल लाइट, सामने का प्रोजेक्टर हेडलैम्प, एवरीथिंग सब कुछ मिल जा रहा है। और इसका प्राइसिंग में आ जाता है, इसका प्राइसिंग होने वाला है 5,49,000। 5,49,000 एग्जैक्टली। और कुछ हो जाएगा ना मेरे व्यूअर्स के लिए? अगर आप आएंगे ऑन टेबल बैठेंगे तो थोड़ा बहुत कम सम हो जाएगा। देखिए, हम लोग का ऑनलाइन कोटेशन थोड़ा इससे ज़्यादा ही रहता है कैलकुलेटिव में। हर वक्त हम लोग प्रॉमिस करते हैं कि डिस्काउंटेड प्राइस ही बोलेंगे, हम लोग डिस्काउंटेड प्राइस ही बोल रहा हूँ। फिर भी आप अगर आएंगे, आप लोग को, आप लोग का स्माइल के लिए, आप लोग का खुशी के लिए ज़रूर कुछ डिस्काउंट करेंगे। सो 5,49,000 पे 2018 का। सो और एक एलीट i20 मैं दिखाना चाहूँगा। एग्जैक्टली, ये एलीट i20 एस्टा ऑप्शनल मॉडल है। सो ब्लू कलर का i20, एलीट i20 आप देख पा रहे हैं, ये भी काफ़ी अच्छा कंडीशन पे है। yes. मेरे को लग रहा है ये 2014-15 का मॉडल है। साइड का कंडीशन आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, साइड्स भी काफ़ी बढ़िया है। तो पुस्टा स्टॉप होगा क्योंकि इधर की रेस एंट्री का बटन है। एग्जैक्टली, टायर्स का कंडीशन भी जबरदस्त है एकदम, मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी अच्छा अलॉयज के साथ है। पीछे भी डीफोगर वॉशर वाइपर आ जाएगा। ओके, एस्टा वेरिएंट है, टॉप मोस्ट वेरिएंट है, वीटीवीटी पेट्रोल गाड़ी है, एस्टा ऑप्शनल वेरिएंट है। एस्टा ऑप्शनल, एस्टा ऑप्शनल वेरिएंट है क्योंकि नॉर्मल एस्टा में आपका चाबी स्टार्ट आता है, राइट, कीलेस मतलब पुश स्टार्ट इंजन नहीं आता है, राइट। और एस्टा ऑप्शनल में आपका पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, राइट। तो ये इंटीरियर दिखा देता है एकदम, इसका इंटीरियर देख लीजिए एक बार, इंटीरियर देख लीजिए। सो सीट्स का कंडीशन भी काफ़ी अच्छा है मैं देख पा रहा हूँ। साथ पे रियर एसी भी आ जाएगा दोस्तों। सामने का सीट्स का कंडीशन भी काफ़ी ज़बरदस्त है, वो फुल कंट्रोल्स आ जाएगा हेयर बैग के साथ, आप देख सकते हो। म्यूजिक सिस्टम आ जाएगा दोस्तों, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी के साथ, काफ़ी बढ़िया कंडीशन पे है गाड़ी। सो इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों का कंडीशन बहुत ही बढ़िया है। एस्टा ऑप्शनल वेरिएंट है, कब का गाड़ी है ये? 2015 का गाड़ी है। मैं ठीक था एकदम, एकदम आप, हम वही सोच रहे थे, आप एकदम करेक्ट गेस किए थे। ये 2015 का गाड़ी है, 25 तक टैक्स पेड किया हुआ है। गाड़ी बहुत ही अच्छा कंडीशन में है, सिर्फ और सिर्फ 37,000 किलोमीटर ड्रिवन है। ये कम चला है, ये कम चला है पुराना गाड़ी होने के बावजूद। एग्जैक्टली, देखिए हम लोग का पास जो गाड़ी जैसा आता है वैसे ही रहता है। तो 2018 गाड़ी आपका 49,000 किलोमीटर चला हुआ है, 2015 गाड़ी 37,000 किलोमीटर चला हुआ है। तो प्राइसिंग पे आ जाएंगे, प्राइसिंग में आ जाते हैं। इसका प्राइसिंग होने वाला है स्ट्रेट अवे, कुछ इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डिस्काउंट दूंगा, स्ट्रेट अवे एक ही प्राइसिंग बोलूंगा, 4,45,000 में। 10 लाख मुझे पता है क्योंकि मेरे पास भी एस्टा है, i20 है। काफी जबरदस्त गाड़ी होता है, देखने में छोटा होता है बट है नहीं छोटा, काफी अच्छा लेग स्पेस आ जाएगा, काफी रास्ता पकड़ के गाड़ी चलता है। 160-170 पे भी थोड़ा सा भी आपको समझ में नहीं आएगा, आई गारंटी, मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। तो प्रीमियम हैचबैक से आ जाएंगे, एक छोटा हैचबैक जो एकदम लास्ट 15 साल से राज कर रहा है पूरा इंडिया पे, इसको बोला जाता है ऑल्टो, और ऑल्टो का बिग ब्रदर है ऑल्टो K10। 1 लीटर का इंजन पे आएगा, माने ऑल्टो 800 का माइलेज आएगा। यस, साथ पे ज़्यादा पावर भी आ जाएगा। ऑल्टो 800 पे 53 का BHP आता है, इसमें 63 का BHP आता है, 10 BHP ज़्यादा है। इसमें भी आपको अच्छा खासा माइलेज मिल जाएगा, मिनिमम 15-16 तो मिलेगा ही शहर पे। इसका भी टायर्स का कंडीशन काफ़ी अच्छा है मैं देख पा रहा हूँ, और काफ़ी अच्छा कलर पे है, चेरी कलर पे, काफ़ी बॉडी का कंडीशन आप देख सकते हैं। और पीछे का भी कंडीशन मैं दिखाना चाहूँगा, काफ़ी अच्छा कंडीशन पे है गाड़ी। सो दोस्तों चलिए एक बार इंटीरियर दिखा देते हैं। सो सीट्स पे भी खर्चा नहीं है दोस्तों, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा सीट कवर लगाया गया है। तो सामने का सीट्स, गाड़ी का कंडीशन तो ज़बरदस्त है,
सो देख सकते हैं एयरबैग के साथ आ जाएगा, म्यूजिक सिस्टम भी आ जाएगा दोस्तों, काफी अच्छा कंडीशन पे है। सो ये भी जबरदस्त कंडीशन पे है, मैं देख पा रहा हूँ एकदम बहुत ही अच्छा कंडीशन में है, क्योंकि गाड़ी फुल ओरिजिनल पेंट में है, सिर्फ दो बंपर आगे सामने और पीछे का बंपर टचअप किया हुआ है, और सेकंड लॉट का टायर्स लग रहा है एकदम नया कंडीशन। नहीं, ये फर्स्ट लॉट टायर्स है। और चला ही नहीं है गाड़ी? गाड़ी सिर्फ 13,000 किलोमीटर ड्रिवन। वाओ, 13,000 सिर्फ? यस, 2018 गाड़ी है, बंपर टू बंपर तो ओरिजिनल पेंट नहीं बोलेंगे, सिर्फ बंपर छोड़ के पूरा ओरिजिनल पेंट का गाड़ी है। क्या बात है, और सीट्स भी एकदम शानदार जानदार, सीट से लेके आपका फुट मैट तक का आपका खर्चा नहीं है गाड़ी में। काफी अच्छा कंडीशन, 18 का गाड़ी है, 23 तक टैक्स है, 13,000 चला है, 13,000 चला है। ऑल्टो K10 एक लीटर का इंजन, डिस्काउंटेड प्राइस है, एकदम लिस्ट प्राइस जिसमें हम लोग दे देंगे गाड़ी, बहुत ही मिंट कंडीशन में गाड़ी, एकदम 100% तक लोन भी हो सकता है एकदम। सो नेक्स्ट गाड़ी की तरफ आ जाएंगे। सो ये है रेनो का क्लाइंबर एडिशन दोस्तों, देख सकते हैं आप, एक स्पोर्टी एसयूवी लुक्स पे आएगा गाड़ी, ये है एक मिनी एसयूवी लुक पे रेनो का क्लाइंबर, छोटा एसयूवी बोल सकते हैं, छोटा हैचबैक विद एसयूवी लुक, ये डिजाइन आप देख सकते हैं, काफी एक रोबस्ट फील देगा, और साइड का बॉडी क्लैडिंग है आप देख सकते हैं, काफी मोटा सा एक क्लैडिंग, क्लाइंबर का लोगो है, साथ पे टायर्स देखिए, और ये एलॉयज नहीं है, ये एलॉयज जैसा है बट एलॉयज नहीं है, कोई भी धोखा खाया जाएगा ये एलॉयज बोल के। हाँ करेक्ट, ये मतलब शुरू में देख के लगेगा, अरे मैं धोखा खा गया था एकदम शुरुआत, मैंने किसी को समझ में नहीं आएगा एलॉयज नहीं है, तो पीछे इसका डिजाइनिंग ऐसा है, इसका रिम जो है, रिम का डिजाइन ही ऐसा बना हुआ है ताकि लुक आए एलॉयज का, लेकिन एलॉयज नहीं है, और रूफ रेल भी आ जाएगा दोस्तों। सो चलिए एक बार इंटीरियर दिखा देते हैं आपको। सो इंटीरियर तो एकदम चमकदार है, सीट्स काफी अच्छा है, मैं देख पा रहा हूँ काफी अच्छा है, वाओ म्यूजिक सिस्टम भी आ जाएगा आप देख सकते हैं, खासियत है डिजाइनर कंडीशन आपके सामने है दोस्तों, एक बड़ा गाड़ी का फील देगा अंदर से भी, ये छोटा गाड़ी छोटा हैचबैक लगेगा नहीं, सो दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस कार मैं बोल सकता हूँ, और काफी कलरफुल गाड़ी है। सो गाड़ी देख चुके हैं आप, बाहर से अंदर से एक एसयूवी, बड़ा गाड़ी का फील देगा एग्जैक्टली, छोटा गाड़ी में बड़ा गाड़ी का फील एग्जैक्टली। ये क्विट क्लाइंबर है, वो भी एकदम ब्रांड न्यू शेप, जो अभी मतलब जो 2020 में लॉन्च ही हुआ है, right. ये 2020 का गाड़ी है, 2025 तक टैक्स पेड है, सिर्फ 8,000 किलोमीटर चला हुआ है, और फुल बम्पर टू बम्पर ओरिजिनल पेंट पे है। क्या बात है, क्या बात है, तो और इसका वेरिएंट क्या है? ये क्विट क्लाइंबर 1.0 MT। ओके, और काफी बड़ा एक म्यूजिक सिस्टम आ जाएगा एग्जैक्टली नेविगेशन के साथ, इसमें सब कुछ फीचर्स भरपूर है पूरा, मतलब बड़ा गाड़ी का फीचर्स आ जाएगा एकदम। प्राइसिंग, और इसका प्राइसिंग होने वाला है, देखिए आस्किंग प्राइस हम लोग रखे हैं 4,35,000, अब मार्केट में ढूंढने से भी 8,000 किलोमीटर चला हुआ गाड़ी तो मिलेगा नहीं, और नॉर्मल RXL का प्राइसिंग चल रहा है अभी मार्केट में, जो आप ऐड देखेंगे कहीं पे भी देखेंगे तो 3,80,000 आपका RXL वेरिएंट का है, ये RXZ है, ये RX, उसके बाद आता है RXT, ये हुआ है क्लाइंबर। प्राइसिंग होने वाला है हम लोग रखेंगे 3,99,000 में, 8,000 चला हुआ गाड़ी ढूंढने से भी कोलकाता में तो नहीं मिलने वाला है। यस आई एग्री। सो और एक हॉट केक, काफी हॉट कलर पे, ये बहुत ही अनकॉमन कलर है, अनकॉमन काफी रेयर आता नहीं है जल्दी से, मतलब मिलता नहीं है लेकिन लोग ढूंढते हैं, राइट, काफी प्यारा कलर है एग्जैक्टली। और पोलो,
ये प्योरली इसको आप ब्राउन से ज्यादा चॉकलेट कलर बोल सकते हैं, पूरा देखिए मतलब जो कॉफी चॉकलेट आइसक्रीम जैसे जो कलर होता है वही वाला कलर है, गॉर्जियस लुक आ रहा है, काफी सोफिस्टिकेटेड है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड कलर है और इसका इंटीरियर स्पेशली आप जब दिखाएंगे बहुत ही अच्छा सोफिस्टिकेटेड लुक में आ रहा है। तो इंटीरियर से पहले एक बार साइट का प्रोफाइल दिखाएंगे, साइट का प्रोफाइल आज क्या बात क्या है, हर एक गाड़ी का टायर ये कंडीशन पे है, इसमें येलो कलर का कैलिपर भी लगा हुआ है देख सकते हैं, एग्जैक्टली हर एक गाड़ी का एकदम टायर्स जो मिक्सचर इन कंडीशन पे काफी अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत ही अच्छा लग रहा है गाड़ी है, ये 2017 का गाड़ी है, लग रहा है कि मैं लेके चले जाऊं एक ड्राइव के लिए, ये गाड़ी जो देखेगा वो लेके जाएगा फैनेटिक जो होगा वो लेके जाएगा, आई ऑल्सो चैलेंज लेके जाना पड़ेगा मुझे, गाड़ी में थोड़ा सा भी खूंत नहीं है, खूंत छोड़िए माने वीडियो पे कितना जस्टिफाई कर रहा है मुझे पता नहीं है, बट अपने आंखों से जब देखेंगे तब समझ में आएगा, यस आपको समझ में आ जाएगा, एक बार में प्यार हो जाएगा मैं बोल सकता हूँ, एग्जैक्टली। तो चलिए एक बार इंटीरियर का कंडीशन दिखा देते हैं, सो इंटीरियर का कंडीशन भी वाव, क्या सीट कवर है, वाव 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 काफी अच्छा है, फ्रंट सीट्स का कंडीशन भी देख सकते हैं, ओके फुल कंट्रोल्स आ जाएगा एयर बैग के साथ देख सकते हैं, म्यूजिक सिस्टम भी आ जाएगा दोस्तों, यू कैन सी यस ऑटोमेटिक एसी आ जाएगा, कंडीशन आपके सामने है दोस्तों, वाव कंडीशन पे है, वाव कंडीशन, एक बार स्टेपनी और एक बार इस गाड़ी का एक बार स्टेपनी कंडीशन और डिक्की के अंदर का कंडीशन एक बार चेक कर लीजिए, समझ में आ जाएगा, जस्ट सी फर्स्ट एड किट का जो पैकेट है वो भी अनटच्ड है, ये देखिए वाओ स्टेपनी से लेके जो टूल किट है माने जैसा आया था नया गाड़ी पर वैसा ही है, एग्जैक्टली एज इट इज, यहाँ पे इवन स्टिकर तक लगा हुआ है जो नया गाड़ी में रहता है, यस सही में, ये गाड़ी का क्या कहना मैं बोल सकता हूँ, पोलो लवर्स आके एकदम झपक लीजिए गाड़ी, सो बाकी डिटेल्स पे आ जाएंगे, बाकी डिटेल्स में आएंगे, ये 2017 का गाड़ी है, 17 का गाड़ी है, 17 का गाड़ी, 5 साल पुराना है, 22 में टैक्स है 27 पे, जो पोलो लवर्स है उनके लिए ये गिफ्ट है, ये 27 तक टैक्स पेड है, क्या बात है, ये 27 तक टैक्स पेड है, और एक तो गिफ्ट है गाड़ी का कंडीशन के साथ साथ, गाड़ी सिर्फ और सिर्फ 10,000 चला हुआ है, लग ही रहा है देखिए, गाड़ी सिर्फ 10,000 चला हुआ है, गाड़ी एकदम सुपर मिंट कंडीशन जिसको बोल सकते हैं हम लोग, बोलने का जरूरत है नहीं, इतना सारा हम लोग दिखा चुके हैं, पेट्रोल या डीजल, ये पेट्रोल वेरिएंट में है, हाई लाइन वेरिएंट मतलब टॉप मोस्ट मॉडल, पोलो का टॉप मोस्ट मॉडल पेट्रोल में, हाई लाइन पोलो से जो जो चाहिए सब कुछ है, सब कुछ मिल जाएगा, सिर्फ अभी आपको आके पैसा देके खरीदना है, एग्जैक्टली। प्राइसिंग इसका ऑनलाइन हम लोग का कोटेशन प्राइसिंग है 5,35,000, हम लोग इसका आपके चैनल के लिए कैलकुलेटिव के व्यूअर्स के लिए इसका स्पेशल प्राइसिंग होने वाला है 4,99,000, 5 के नीचे मैं बोल सकता हूँ झपक लीजिए, 17 का गाड़ी का प्राइसिंग भी अच्छा है, 27 तक टैक्स पेड, यस पोलो हाईलाइन तो मिलता नहीं है और ऐसा कंडीशन, और ये किलोमीटर पे पूरा कोलकाता ढूंढ लीजिए, इतना कम चला हुआ पोलो है नहीं, आई ऑल्सो चैलेंज ये कंडीशन पे, ये कलर पे, कलर भी एकदम रेयर है, 10,000 चला हुआ पोलो नहीं है, तो एक नहीं दिखाएंगे और एक है जिसको थोड़ा सा व्हाइट कलर का प्रेफरेंस है, देख सकते हैं ये व्हाइट पोलो आपके सामने, ये थोड़ा सा पुराना वेरिएंट है, सो हर एक बजट पे हर एक गाड़ी हम लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सो व्हाइट कलर का पोलो ये भी काफी अच्छा कंडीशन पे है, साइड का प्रोफाइल समझने के लिए कोशिश करेंगे, पहले चक्का दिखाएंगे, ये भी एलॉयस के साथ, माने ये भी हाई लाइन वेरिएंट होना चाहिए, करेक्ट ये हाई लाइन वेरिएंट ही है, सो देख सकते हैं आप प्रोफाइल एकदम स्क्रैचलेस कंडीशन पे है गाड़ी, पीछे का प्रोफाइल देख लीजिए, डिफोगर वॉशर वाइपर के साथ आ जाएगा, TDI माने ये डीजल है, करेक्ट ये डीजल गाड़ी है, माने एक पेट्रोल एक डीजल पे हो जाएगा, पेट्रोल एक डीजल, तो इंटीरियर का कंडीशन एक बार दिखाएंगे, सो ब्लैक इंटीरियर में देख पा रहा हूँ, इंटीरियर का कंडीशन हाई लाइन वेरियंट है दोस्तों, फुल कंट्रोल के साथ आ जाएगा, एयरबैग के साथ आ जाएगा, म्यूजिक सिस्टम आ जाएगा, ऑटोमेटिक एसी आ जाएगा, कंडीशन आपके सामने
काफी काफी प्यारा कंडीशन पे लास्ट वाला के जैसा। सो देख चुके हैं बाहर से अंदर से एकदम आपके हिसाब से चुम्बेश्वरी कंडीशन एकदम। तो डिटेल्स में आया था ये 2013 का गाड़ी है, 23 तक टैक्स पेड है, डीजल वेरिएंट है, हाईलाइन डीजल में हाईलाइन वेरिएंट है, किलोमीटर इसका 57,000 किलोमीटर ड्रिवन है, ज्यादा भी चला नहीं है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। क्या बात है। प्राइसिंग इसका प्राइसिंग होने वाला है आपका 2,69,000। क्या बात है। 2,69,000 लास्ट वाला था 4,99,000। सो दोनों का दोनों एकदम बढ़िया गाड़ी है, दोनों प्रीमियम हैचबैक है, पोलो छोड़ के भी दो दो प्रीमियम हैचबैक हम लोग दिखा चुके हैं i20। सो मेरा फेवरेट ब्रांड टोयोटा, वन ऑफ द फेवरेट कार टोयोटा एटियोस, करेक्ट, गोल्डन कलर पे काफी अच्छा लग रहा है, शैंपेन गोल्ड कलर में है, शैंपेन गोल्ड कलर, सामने का प्रोफाइल देख सकते हैं तो काफी अच्छा कंडीशन पे है, साइड का प्रोफाइल दिखाएंगे आपको दोस्तों, आ जाइए साइड का प्रोफाइल देख लीजिए, देख सकते हैं साइड का प्रोफाइल भी काफी अच्छा कंडीशन पे है, और पीछे का प्रोफाइल जी वेरिएंट है गाड़ी। सो एक बार इंटीरियर का भी कंडीशन देख लेंगे। सो सीट्स का कंडीशन काफी अच्छा है, ओरिजिनल टोयोटा का सीट कवर्स देख सकते हैं एम्ब्लेम के साथ। सो काफी एक्सपेंसिव सीट कवर्स है दोस्तों, म्यूजिक सिस्टम के साथ, एयरबैग के साथ आ जाएगा गाड़ी, दो दो एयरबैग आ जाएगा, गाड़ी का कंडीशन है वो जबरदस्त है। सो कैसा था कंडीशन, हर एक गाड़ी का कंडीशन चुम्बेश्वरी है, डिटेल्स पे आ जाएंगे। तो डिटेल्स में आया था गाड़ी का, ये 2012 मॉडल है, टोयोटा एटियोस सेडान में आता है और काफ़ी अच्छा है, मतलब कंडीशन बहुत ही अच्छा है, 66,000 किलोमीटर जेन्युइन चला हुआ है, और टैक्स जो है ये 2012 का गाड़ी है तो 22 तक टैक्स नहीं है, ये 2027 तक टैक्स अप टू डेट है। ओके। और सेडान गाड़ी 2012 का गाड़ी 27 तक टैक्स, ये मतलब बहुत ही, मतलब जो लोग का 2.5 लाख के रेंज में जो मतलब सेडान गाड़ी प्रेफर करते हैं उन लोग के लिए है ये, पेट्रोल वेरिएंट जी वेरिएंट पे है राइट। और इसका जो प्राइसिंग होने वाला है वो होगा 2,39,000। सो ब्लॉक का आखिरी गाड़ी, मारुति का गाड़ी, हैचबैक गाड़ी, जेन एस्टीलो, ये भी शैंपेन गोल्ड कलर पे है, आप देख पा रहे हैं, साइड का प्रोफाइल आपको दिखाएंगे, इसका भी टायर्स जबरदस्त कंडीशन पे है, नया व्हील कवर के साथ टायर्स, साइड का प्रोफाइल देख सकते हैं स्क्रैचलेस कंडीशन पे है, पीछे का प्रोफाइल, रियर वॉशर वाइपर आ जाएगा, बड़ी बात है, डिफोगर आ जाएगा, VXI वेरिएंट है दोस्तों। तो चलिए एक बार इंटीरियर का कंडीशन आपको दिखा देंगे, सीट्स का कंडीशन दोस्तों। सो इंटीरियर का कंडीशन देख सकते हैं दोस्तों, म्यूजिक सिस्टम आ जाएगा एसी के साथ, पावर स्टीयरिंग के साथ, पावर विंडो के साथ, देख चुके हैं आप इंटीरियर का कंडीशन, एक्सटीरियर जबरदस्त है, पुराना गाड़ी है फिर भी अच्छा कंडीशन, अच्छा मेंटेन्ड है। देखिए फर्स्ट ओनर लेडी ओनर गाड़ी था, लेडी ड्रिवन गाड़ी है, काफ़ी स्ट्रेंगली यूज करते हैं, सोफिस्टिकेटली चलाते थे गाड़ी, और सिंगल हैंडेड ड्रिवन गाड़ी है। ओके। तो ये 2012 का गाड़ी है, 27 तक टैक्स पेड किया हुआ है। ओके। जेन एस्टीलो टॉप मॉडल VXI वेरियंट में आएगा, इसमें आपका सारा फीचर्स जो जो VXI में आता है सभी, जैसे चार्टो पावर विंडो, इनबिल्ट म्यूजिक सिस्टम, स्टेयरिंग, पावर स्टेयरिंग, रियर वाइपर सब कुछ मिल जा रहा है विथ न्यू व्हील कैप्स, गाड़ी काफ़ी डेकोरेटेड भी है। यस। तो गाड़ी काफ़ी अच्छा कंडीशन में है, एक बार आइए देखिए चलाइए,
समझ जाएंगे गाड़ी बहुत ही अच्छा है। जो लोग के स्टीलो चाहिए या फिर 2 लाख के अंदर कोई हैचबैक चाहिए जिसका टैक्स ज्यादा दिन वैलिड हो, वैसा गाड़ी चाहिए। जो लोग बेसिकली सस्ता पे गाड़ी ढूंढ रहे हैं, एग्जैक्टली क्वालिटी गाड़ी चाहिए, क्वालिटी गाड़ी लेना चाहते हैं, मैं बोलूंगा एक बार जरूर आइए। प्राइसिंग एकदम, और इसका जो प्राइसिंग रखने वाले हैं हम लोग वो एकदम ही ज़्यादा नहीं होगा। 2012 का गाड़ी 27 तक टैक्स पेड करके VXI वेरिएंट में, LXI देख के सस्ता सस्ता नहीं चिल्लाऊंगा, VXI वेरिएंट दूंगा सिर्फ और सिर्फ 1,85,000 में। 1,85,000 पे दोस्त, गाड़ी में मेरिट होना चाहिए, गाड़ी का पेपर अच्छा होना चाहिए, अच्छा मेंटेन होना चाहिए। ये गाड़ी में फर्स्ट ओनर गाड़ी है, 46,000 किलोमीटर ड्रिवन है, 27 तक टैक्स पेड किया हुआ है, लेडी ओनर गाड़ी है, और गाड़ी का ये कंडीशन जो आप देख रहे हैं तो और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। प्राइस भी अच्छा है, प्राइस भी चैलेंजिंग है, क्वालिटी तो है ही, साथ पे प्राइसिंग भी है। सो कलकत्ता ट्यूब का दावा है, जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा अच्छा अच्छा क्वालिटी का गाड़ियाँ ही दिखाऊंगा। तो खत्म आज के लिए, एकदम कम गाड़ियाँ दिखाए बट क्वालिटी गाड़ियाँ आपको दिखाए दोस्तों। सो दैट्स द बिगेस्ट प्लस पॉइंट ऑफ दिस ब्लॉग, आप लोग जरूर आइए, एकदम अच्छा जगह पे लोकेटेड है, ये बाईपास के ऊपर बिगेस्ट लैंडमार्क है, बाईपास ढाबा, बाईपास ढाबा से 2 मिनट का डिस्टेंस है, एक छत के नीचे इतना सारा हैचबैक का वैरायटीज मिल जाएगा आपको, और क्या चाहिए। और 2012 का गाड़ी पे भी लोन अवेलेबल है। सो दोस्तों विदा चाहेंगे फिर आज के लिए, मिलते हैं दोबारा और एक ब्लॉग पे, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।